जिंदगी में यदि परेशानी आए तो एक बात हमेशा याद रखना, निखरता वही है जो पहले बिखर चुका होता है। दिल दुखाने पर भी जो इंसान आपसे शिकायत ना करे, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। कई इंसान दोहरे चरित्र में नहीं रह पाते, इसलिए जिंदगी में अकेले रह जाते। किसी का थोड़े दिन का टाइम पास किसी की जिंदगी भर की मुस्कान छीन लेते। क्या आपकी मुस्कान छीनी है किसी ने? अपने लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हो। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। हमेशा तैयारी के साथ रहना चाहिए। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। कभी मत बदलना अपने आप को औरों के हिसाब से। खुदा ने आपको भी दिया है एक लिबास आपके हिसाब से। एक बार सभी उम्मीदों का टूटना भी जरूरी है, पता तो चले ये दुनिया कायम किस पर है। जिंदगी का एक उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना। रिश्तों की कदर भी धन की तरह करना चाहिए। दोनों को खोना आसान है लेकिन कमाना बहुत ही मुश्किल है। स्वाद जिंदगी का लो, किसी के भरोसे का नहीं। क्या आपके भरोसे का भी किसी ने स्वाद लिया है? हार्डवर्क करो दोस्तों, हार्डवर्क। सफलता का शोर तो आपकी लैम्बोर्गिनी मचाएगी। वादा करो उनसे, एक दिन अपॉइंटमेंट लेकर मिलना पड़ेगा तुमसे। जब खुद को चोट लगती है, दूसरों के जख्म तभी दिखाई देते हैं। ना वो सपना देखो जो टूट जाए, ना वो हाथ थामो जो छूट जाए। मत आने दो किसी को इतना करीब कि उसके जाने से इंसान खुदा से रूठ जाए। जब जब आप चुप रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हो तो दुनिया को बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन एक आध बार भी यदि हकीकत बयां कर देते हो तो सबको बहुत बुरे लगते हो। बिगड़ते रिश्तों को संभालने के लिए कभी कभी दूर चले जाना चाहिए। हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हमारा कितना भी झगड़ा हो लेकिन उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। किसी पर भरोसा करो तो आखिरी सांस तक करो। या तो एक सच्चा दोस्त पाओगे या एक अच्छी सीख पाओगे। वो अक्सर तुमसे कहते थे कि तुम उन्हें कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे। अफसोस इस बात का है कि काश तुमने भी ये सवाल उनसे पूछा होता। लोग कहते हैं कि दुख बहुत बुरा होता है, हमेशा रुलाता है, लेकिन हम कहते हैं कि दुख बहुत अच्छा होता है, हमेशा कुछ सिखाता है। इंसान घर बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हो। जिंदगी की राहों में अक्सर ऐसा होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। जो लोग दिलों में शिकवे और जुबा पर शिकायत कम रखते हैं, अक्सर वही रिश्ते निभाने का दम रखते हैं। नाराजगी को कुछ देर चुप रहकर मिटा लिया करो। गलतियों पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि यदि प्यार सच्चा हो तो वो लौट कर जरूर आता है, लेकिन हम कहते हैं कि यदि प्यार सच्चा होता तो वो छोड़कर ही क्यों जाता। दिलों से चाहो तो सजा देते हैं लोग, सच्चे जज्बातों को भी ठुकरा देते हैं लोग। क्या देखेंगे दो इंसानों का मिलन, जब साथ बैठे दो पंछियों को भी उड़ा देते हैं लोग। कोई इंसान बिल्कुल ही बदल जाता है जब या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आए या फिर कोई खास उसकी जिंदगी से चला जाए। इस जिंदगी में दो चीजें बहुत खास है, एक वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। नदी में गिरने से कभी किसी इंसान की मौत नहीं होती, मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। उसी प्रकार परिस्थितियां कभी भी मनुष्य के लिए समस्याएं नहीं होती है, समस्याएं तो तब होती है जब उसे परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। कुछ बनना है तो शौक से बनो, पर एक ख्याल रखना, कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनना। हाँ, भीड़ जिसके लिए जुटे वो किस्सा जरूर बनना। दुनिया विरोध करे तो डरो मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। यदि कोई आपका दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि जिन्हें आप जवाब नहीं देते हैं उन्हें खुदा जवाब देता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता, वो सिर्फ इतिहास पढ़ता है। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं। जिंदगी में यदि कभी बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपनों का पता ही नहीं चलता। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। क्या आप तैयार हो? अपनी हर फतह पर इतना गुरूर मत करो। मिट्टी से पूछो कि आज सिकंदर कहाँ है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी के रंगमंच पे अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। रंग लाएगी तन्हाई, जरा सब्र करो। वक्त लगता है दुआओं को असर करने में। किसी को तुम्हारी कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम जीत गए तो बस जीत गए। किसी को अगर ज्यादा भाव दोगे तो वो आपकी भावनाओं को रद्दी के भाव भेज देगा। इसलिए उतना ही लुटाओ जितना बाद में समेट सको। आप भी बदल लो अपनी जिंदगी को जीने का उसूल। अब सिर्फ याद उन्हें रखना जो आपको याद रखे।
दूसरों को इतनी जल्दी माफ कर दिया करो जितनी आप ऊपर वाले से अपनी माफी के लिए उम्मीद रखते हो। अरे तुम क्यों गम करो अगर वो तुम्हें ना मिले, गम तो वो करे जिसे तुम ना मिलो। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते हैं, बल्कि सफल तो वो है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है। अगर सिर्फ इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया क्योंकि किसी ने कहा था कि आप उसे नहीं कर सकते, तो वो आपका सपना नहीं था, वो सिर्फ आपकी एक छोटी सी इच्छा थी। गलतियों को हमेशा माफ किया जा सकता है यदि आप में हिम्मत है अपनी गलतियां स्वीकार करने की। स्वयं से लड़े बाहरी दुनिया से क्या लड़ना, जो इंसान स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वो दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेता है। बातें झोंकों के साथ हवा में जल्द ही फैल जाती है, जरा संभल के बोलना दोस्तों, लौटती है तो रूप बदल कर आती है। हमेशा संदेह करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस लोक में है ना कहीं और। सासों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है, वह व्यक्ति भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दी। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं चाहे मुकाम कुछ भी हो, पर निभाने वाले निभा जाते हैं चाहे हालात जैसे भी हो। कुछ लोग दूसरों का दिल रखते रखते खुद टूट जाते हैं, और एक दिन होता यह है कि वो भी पत्थर दिल बन जाते हैं। पौधा तभी लगाए जब पानी देकर बड़े करने की क्षमता हो। सिर्फ एक सेल्फी के लिए नर्सरी में पल रहे पौधे की जान मत ले लेना। अभी गुमनाम हूँ तो फासला बना रहे हो, कल मशहूर हो जाऊं तो कोई रिश्ता मत बना लेना। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, दूसरों की शिनाख्त में तो हर शख्स माहिर है। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये दोनों अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना आप वाकई में बहादुरी से भरा हुआ काम कर रहे हो। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंकी उन कंकड़ों को, सिर्फ मरी हुई मछली को ही नदी का बहाव अपने साथ बहाती है, जिंदा मछली तो अपना रास्ता खुद बनाती है। किसी ने मुझसे पूछा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने जवाब दिया कि टांग के बदले हाथ खींचो। वह व्यक्ति गरीब नहीं है जिसके पास थोड़ा है, गरीब तो वह है जो ज्यादा के लिए मरा जा रहा है। लोग कई बार बदल जाते हैं लेकिन दूसरों को बताना भूल जाते हैं। क्यों हर शख्स की गलतियां बताते हो, इस जहां में इंसान बसते हैं भगवान नहीं। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो देती रहती है, और समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेते रहता है। जिंदगी भी इसी समान है, यदि देते रहोगे तो मीठे बने रहोगे, और लेते रहोगे तो खारे बन जाओगे। मनुष्य के दो रूप है, एक वह जो घने अंधकार में भी जागता रहे, और दूसरा वो जो प्रकाश में भी सोता रहे। तुम हार जाओ इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम हार कर बैठ जाओ मुझे इस बात की चिंता है। दिल खोल कर इन लम्हों को जी लो यारो, जिंदगी अपना इतिहास फिर नहीं दोहराएगी। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, आप खुद अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, याद रखना कठिन रोल एक अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगते हुए आगे बढ़ो, लेकिन अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो। जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते हैं उनकी बातों को भी पर्सनली मत लो, हर किसी को उतनी ही जगह दो दिल में जितनी वो तुम्हें देता है, या तो खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, वरना बिना कमी वाला इंसान ढूंढने जाओगे तो अकेले रह जाओगे। खुदा सलामत रखे उनको जो हमसे नफरत करते हैं, प्यार ना सही नफरत ही सही, कुछ तो है जो वो सिर्फ हमसे करते हैं। पीठ पीछे कोई क्या बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता, सामने किसी का मुंह नहीं खुलता यही काफी है। कितना गुस्सा आता है ना उस वक्त जब आपसे कोई झूठ बोले और आपको सच पता हो। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है बस तस्वीर बदलती रहती है। जिंदगी में दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। बिजी अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से। हमेशा अमीर वो इंसान होता है जिसके पास ऐसी चीज होती है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, यह देखो कि उसको आप पर विश्वास कितना था। जिंदगी में रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए,
लेकिन जहाँ कदर नहीं हो वहाँ निभाने भी नहीं चाहिए। रिश्ते आजकल झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से टूटते हैं। आजकल अक्सर वही लोग हम पर उठाते हैं उंगलियां जिनकी हमसे बराबरी करने की औकात नहीं। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे, इसलिए थोड़ा टेढ़ा भी होना चाहिए, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधी लकड़ी को ही काटा जाता है, टेढ़ी को नहीं। याद रखना, यदि कोई इंसान आपकी आंखों में धूल झोंकता है तो आपका दिमाग पहले से ज्यादा तेज चलने लगता है। किस इंसान पर भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक समान नजर आती है। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो आरोप से ही मर जाते हैं। अकेली ही गुजरती है जिंदगी, लोग तसल्ली तो देते हैं लेकिन साथ नहीं। हमारा ज्ञान हमारे अनुभव से आता है और हमारा अनुभव हमारी मूर्खता से। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी न करना जमाने में लोग कटी पतंग को जमकर लूटा करते हैं। मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टान से न टकराए वो झरना किस काम का। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास कुछ नहीं आपको देने के लिए, बस ये सोच के उसका साथ निभाइए कि उसके पास कुछ नहीं है आपके सिवा खोने के लिए। जिंदगी में हर किसी के लिए दुआ करो, क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ का इंतजार कर रही हो। जिंदगी तो सभी के लिए वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिल से जी रहा है और कोई सिर्फ दिल रखने के लिए जी रहा है। यह निश्चित है कि जो किसी की परवाह नहीं करता उसकी परवाह भी कोई नहीं करता। घमंड शराब के जैसे होता है, खुद को छोड़कर सबको पता चल जाता है कि इसको चढ़ गई है। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। मत करो गुरूर अपने आप पर इतना, खुदा ने न जाने हमारे जैसे कितने बनाए और मिटा दिए। कभी कभी अकेले रहने में भी सुकून है, क्योंकि किसी के चोट पहुंचाने का डर नहीं रहता। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना, जब जान से प्यारे लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। इश्क वो नहीं जो हवस पूरा होने के बाद खत्म हो जाए, इश्क तो वो है कि आपका महबूब आपके सामने खड़ा हो और आपकी हिम्मत ना हो उसे छूने की। जो धोखा दे के गया उसकी याद में मरने से हजार गुना अच्छा है जो साथ है उसके साथ सुकून से जी लिया जाए। बदल जाते हैं वे लोग वक्त की तरह जिन्हें आप हद से ज्यादा वक्त दिया करते हो। एक अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती।